हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल मेरे यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं अभी सचित तौर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? जैसे इसके पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री हमने कैटल फार्मिंग, अबाउट द कैटल फार्मिंग और कैटल प्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें ब्रीड्स का इम्प्रूवमेंट भी किया था हमने। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, मीन्स फार्मिंग ऑफ द चिकन्स एंड एग्स फॉर द मीट एंड द एग्स प्रोडक्शन। पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड है चिक्स और हेंस की फार्मिंग से, मीन्स इनके फार्मिंग से। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? फर्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड मीट्स थ्रू द हस्बेंडिंग ऑफ चिक्स एंड हेंस। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? प्रोडक्शन है ऑफ द एग्स, मीन्स एग और मीट्स का प्रोडक्शन किससे होता है? बाय द हस्बेंडिंग ऑफ चिक्स एंड हेंस। चिक्स और हेंस के हस्बेंडिंग से, चिक्स और हैंड्स को पालने से जो पोल्ट्री फार्मिंग है। देन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इंक्लूड्स इंप्रूव्ड मेथड्स ऑफ हैचिंग, रियरिंग, हाउसिंग एसेट्रा। जो प्रॉपर मैनेजमेंट है ऑफ द पोल्ट्री फार्मिंग का, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट मेथड्स इंक्लूड हैं? उनमें हैचिंग, रियरिंग एंड हाउसिंग। हैचिंग मीन्स जब भी कोई एग होता है, एग में से जब कोई चिक का बच्चा, चिक का जो चाइल्ड होता है, जब वो बाहर आने के लिए झटपटाता है, तो उसके लिए वो उसकी जो एग में हैचिंग हो जाती है। हैचिंग का मतलब उस एग का टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ द एग सेल। एग सेल टूट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हैचिंग, रियरिंग, उसको पालना, देन द हाउसिंग, उसकी देखभाल करना। देन एन एग लेयर, अ एग लिंक पोल्ट्री इज कॉल्ड ईगो और लेयर। जो एग मीन्स अंडे देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ईगर और लेयर। जो एग देते हैं, एग कौन देगा? ओनली द हैन। हैन ही तो देगी, चिक्स थोड़ी देंगे। सो एन एग लेइंग पोल्ट्री इज कॉल्ड ईगर और लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं? ईगर और लेयर। देन द पोल्ट्री रियर फॉर ऑप्टेनिंग मिल्क। जो पोल्ट्री की जाती है फॉर द ऑप्टेनिंग मिल्क, मिल्क को ऑप्टेन करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? फॉर द चिकन और ब्रॉयलर। क्या कहते हैं उसको? चिकन और ब्रॉयलर। देन पोल्ट्री ब्रीड्स। पोल्ट्री ब्रीड्स क्या कहें? द पोल्ट्री ब्रीड्स आर इंक्लूडेड इन थ्री कैटेगरीज। थ्री कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट इज इंडिजिनस ब्रीड्स। देयर आर फोर प्योर इंडिजिनस ब्रीड्स। इसमें क्या है? फोर प्योर इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, जिनका नेम है एजिल। फर्स्ट क्या है? एजिल, चिट्टागंग, गैगोस और बुसरा। क्या है? एजिल, चिट्टागंग, गैगोस एंड बुसरा। देर आर फोर पॉपुलर ब्रीड्स ऑफ एजिल, जिसमें फोर पॉपुलर ब्रीड्स हैं एजिल की, जिनका नेम है पीला, याकूब, न्यूरी, काजल। इसका नेम क्या है? पीला, याकूब, न्यूरी एंड द लास्ट इज काजल। जो सेकंड ब्रीड में कैटेगरीज है उसकी, दैट इज एक्जॉटिक ब्रीड्स। एक्जॉटिक ब्रीड्स क्या होते हैं? एक्जॉटिक ब्रीड्स आर फॉरेन ब्रीड्स। एक्जॉटिक ब्रीड्स क्या है? फॉरेन ब्रीड्स विच आर ब्रॉट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, जो कि फॉरेन कंट्रीज से मंगाई जाती हैं या ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। देन द फॉलोइंग टू एक्जॉटिक ब्रीड्स आर मोस्ट पॉपुलर। जो टू मोस्ट पॉपुलर ब्रीड्स हैं उनमें क्या है? वाइट लेग हॉर्न, सेकेंड इज रोड आइलैंड रेंट। क्या है पहला? वाइट लेग हॉर्न, सेकेंड इज रोड आइलैंड रेड। देन थर्ड इज क्रॉस ब्रीड्स। क्रॉस ब्रीड्स क्या होती हैं? और क्रॉस ब्रीड्स को हम इम्प्रूव्ड ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं। सम इम्प्रूव्ड क्रॉस ब्रीड्स ऑफ स्ट्रेन्स आर HH260, IBL80, B77 एंड ILS82। ये क्या है? क्रॉस ब्रीड्स हैं, इम्प्रूव्ड की गई ब्रीड्स हैं, जिनका नेम्स क्या था? HH260, BL80, B77 देन ILS82। ना वेराइटी इम्प्रूवमेंट, इस वेराइटी का इम्प्रूव्ड कैसे होता है? उनकी क्वांटिटी को वेरीफाई करना, मीन्स उनकी क्वांटिटी को इम्प्रूव करना। द प्रोग्राम ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। जो क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोग्राम है बिटवीन इंडिजिनस एंड द फॉरेन ब्रीड्स फॉर वैरायटी इंप्रूवमेंट। वैरायटी इंप्रूवमेंट से क्या? वैरायटी इंप्रूवमेंट का मीन्स क्या है? जो क्रॉस का प्रोग्राम मीन्स क्रॉस ब्रीडिंग को अडॉप्ट करते हुए, क्रॉस ब्रीडिंग को अडॉप्ट करते हुए बिटवीन इंडिजिनस ब्रीड्स और फॉरेन ब्रीड्स के बीच में जो क्रॉस करने से जो वैरायटी इंप्रूवमेंट पे फोकस किया गया, जिससे न्यू वैरायटीज का डेवलपमेंट हो फॉर द डिजायरेबल ट्रेड्स। फॉर द डिजायरेबल ट्रेड्स फर्स्ट इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, मीन्स जिससे क्या हो, इनके जो क्रॉसिंग ब्रीड से क्या हो, इंडिजिनस और फॉरेन ब्रीड से जो न्यू वेराइटी डेवलप हो, उसमें जो डिज़ायरेबल ट्रेड्स हो वो क्या हो? क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ चिक्स। क्वांटिटी का मतलब उनकी मात्रा,
उनकी जो जितनी भी उसकी क्वांटिटी हो, देन क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब हो गया उसकी जो वैरायटी हो, अच्छी क्वालिटी हो या बेकार क्वालिटी हो ऑफ चिक्स, जो बेकार क्वालिटी होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, मींस उनको निकाल दिया जाता है, एंड अच्छी क्वालिटी को फिर से रिप्रोड्यूस करके मींस फिर से क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा इम्प्रूव किया जाता है। और देन सेकेंड कैरेक्टर क्या है, सेकेंड कैरेक्टर इज चिक प्रोडक्शन एंड टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। चिक प्रोडक्शन मीन्स चिक का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन फॉर द ऑप्टेनिंग फॉर रियरिंग फॉर द मीट, मीन मिल्क के लिए रियर करना। देन एंड टॉलरेंस टू टेम्परेचर मीन्स हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेंस करने वाला, क्योंकि आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं, डिज़ायरेबल ट्रेट्स होते हैं, उनमें जो फ्री रेजिस्टेंस टू डिसीज़ भी होता है एक, जो मीन्स किसी को भी डिसीज़ ना हो पाए, डिसीज़ से फ्री रहे, ये भी एक डिज़ायरेबल ट्रेट्स है। देन लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, सबसे कम लो मीन्स मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हो। फोर्थ इज इम्प्रूवमेंट इन हैंड हाउस्ड फॉर एग प्रोडक्शन, इम्प्रूवमेंट हो इन द हैंड हाउस्ड फॉर प्रोडक्ट्स एग प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा एग का प्रोडक्शन हो। जैसे कि आपने देखा होगा जो ब्रॉयलर होते हैं, जो लेयर होते हैं, लेयर और ईगर, इनका जो एग प्रोडक्शन का जो टाइम होता है, टाइम वो 20 वीक्स होता है। 20 वीक्स के बाद ये एग को डेवलप करने मीन्स एग प्रोडक्शन, एग का प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर द 20 वीक्स। देन एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, एग और ब्रॉयलर का प्रोडक्शन। देन फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ एग्स, एग्स का प्रोडक्शन। फर्स्ट इज एग प्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ट्रेड, जो एग प्रोडक्शन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ट्रेड है। और लेयर स्टार्टिंग लेयर द आर लेयर स्टार्टिंग लेइंग द एग्स एट द एज ऑफ 20 वीक्स। आर लेयर जो एग देने वाला, जो भी एग देता है उसे हम क्या कहते थे, लेयर। जो लेयर अपने एग्स को लिंक करना स्टार्ट किस एज से स्टार्ट करता है, अबाउट द 20 वीक्स, 20 वीक से एग्स को देना स्टार्ट कर देता है अ लेयर। देन टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर। क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये पॉइंट्स कंसिडर की जाती हैं, जैसे कि एग नंबर, कितने ज़्यादा एग्स का प्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी सही होनी चाहिए, देना एग वेट, एग का वेट कितना है, देन फीड एफिशिएंसी, सर ज़्यादा से ज़्यादा जो फीड किया जाए मीन्स खाना खाने के लिए दिया जाए, फूड दिया जाए और फूड भी कम हो और ये ज़्यादा एग प्रोडक्शन कर दे। देन सेल कलर, सेल का कलर, सेल का साइज, जो सेल है उसकी सेल की प्रोटेक्शन मीन्स कितना प्रोटेक्ट कर सकता है, देन हैचिंग टाइम, एवरीथिंग। देन प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेरियन एग्स मीन्स वेजिटेरियन एग्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, द फर्टाइल एग्स नॉट रॉट रैपिडली देन द इनफर्टाइल एग्स। जो फर्टाइल एग्स होते हैं, जो फर्टाइल करने वाले होते हैं आफ्टर द जो एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है उसके बाद, जो फर्टाइल एग्स होते हैं वो जल्दी से जल्दी सड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं रैपिडली जल्दी देन द इनफर्टाइल एग्स, इनफर्टाइल एग्स के द्वारा। हेंस क्या है, हेंस कैन ले एग्स विदाउट अ कॉक एंड द एग्स थस ऑब्टेन्ड आर इनफर्टाइल। जो हेंस एग देती है विदाउट अ कॉक मीन्स जब उसका रिप्रोडक्शन नहीं होता कॉक के साथ, जो एग्स उससे ऑब्टेन किए जाते हैं इस पीरियड में वो क्या होते हैं, इनफर्टाइल एग्स। और इन्हीं इनफर्टाइल एग्स को हम क्या कहते हैं, वेजिटेरियन एग्स। ना प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉयलर्स, ब्रॉयलर्स का प्रोडक्शन, दे आर फेड अप विद विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फूड फॉर ग्रोथ रेट एंड बेटर फूड। ये क्या करते हैं, इनको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, एंड द विटामिन रिच सप्लीमेंट्री, विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फूड दिए जाते हैं फॉर द ग्रोथ रेट एंड द बेटर फीड, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर फीड। दैन थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट।